नहीं है पुलिस स्टेशन के रूट में, और इन्फॉर्मेशन नहीं है। मैं ग्रुप की बात करता हूँ, सर्चिंग में लगाए। कल शाम में ये दो आदमी सस्पेक्टेड पर्सन मिला चेकिंग में, वो लोगों को पुलिस स्टेशन ला के थरोली वेरीफाई कराया, तो टोटल 9 व्हीकल्स वो लोग कुबू लिया। उसके बाद टोटल पूरा व्हीकल्स रिकवरी करा। ये हमारा पुलिस स्टेशन में एक्टिव व्हीकल है और फलकनामा में एक व्हीकल, शालीबंडा में एक व्हीकल, कामाटीपुरा में एक मोटरसाइकिल और कुशियानियाला में एक नया बुलेट, और 4 साल पहले सैफाबाद में एक हीरो होंडा मोटरसाइकिल, ऐसा टोटल मैरारजनपल्ली में। ये पूरा पुलिस स्टेशन में उन्होंने थेफ्ट करके अक्यूज नंबर 1 पूरा उसका घर में रख लिया था, और ये दोनों मिलके एक प्लान से ये थेफ्ट करके बेच के ये करेंगे। ये सीजन में कुछ लॉकडाउन में कुछ कामा नहीं मिल रहा, पैसा कमाएंगे बोल के ये लोग पीने की आदत है, वो हिसाब से पूरा दोनों मिलके ये व्हीकल से करा। आज पूरा रिकवरी करने के बाद हम अरेस्ट कर दिया लोगों इन के। कुछ सागरका में क्रिमिनल रिकॉर्ड्स है सर? इससे पहले के रिकॉर्ड बोले तो ये 4-5 साल से ये लोग कर रहा। एक व्हीकल तो 2014 सैफाबाद में था, उसके बाद अब लॉकडाउन पीरियड में ये पूरा 8 व्हीकल से करा। प्रीवियस हिस्ट्री अभी तक वो लोग नहीं कबूल लिया, फिर पुलिस कस्टडी में लेता हूँ, जब उसमें भी कुछ मालूम चला तो वेरीफाई करके ये कर देते। अब टोटल वर्थ 6 लाख अब आए, क्या बोलते नया बुलेट है 2 लाख का, और एक्टिव भी 80,000 के ऊपर है। वैसा 4 व्हीकल्स एक्टिव ऐसा टोटल 9 व्हीकल्स है, करा अबाउट 6 लाख से ऊपर प्रॉपर्टी रिकवर करा। आज ये लोगों को जुडिशल रिमांड में प्रोड्यूस कर। इंडिविजुअल लोग कर रहे थे या कोई गैंग? नहीं, एक एक कर रहा, बाद में बीच में ये टू को आदिल को मिला लिया, अब दोनों मिलके ये काम कर रहा। इजी मनी मनी ये करने के वास्ते, वही इजी मनी ये करने के, उसके पास एक चार चाबी उसमें जेब में डाल लेते, पीने के बाद डुप्लीकेट के भी से अपना घर के सामने नहीं तो अपार्टमेंट का सेलर में जाके जो चाबी आए तो वो गाड़ी को उठा के लाते। वैसा भी 6 फेक सी